हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू म्हणायचं. चॉकलेट ठीक है. हाँ. अच्छा आ करो पेड़ा पेड़े जैसे चॉकलेट है वो मिल्की बार. अच्छा मिल्की बार चॉकलेट डायरेक्ट निकल ली इसने तो. सो गाइज अद्विका अभिषेक हो जाने के बाद यहाँ पर मैं और मम्मी ब्रेकफास्ट कर रहे थे. हम लोग ससुराल वालों का वेट कर रहे थे मेरे, बट वो आए नहीं थे क्योंकि भैया को काम था, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे. फिर इसी वजह से हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सब लोगों को ब्रेकफास्ट दे दिया था. फिर हम लोग यहाँ पर मम्मी और मैं बातें कर रही थी, मम्मी उसी टाइम आई थी. फिर हम लोगों ने अद्विका अभिषेक किया, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने लग गए. हे गाइस, काफ़ी देर के बाद आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अभी तक, तो अभी तक थोड़ा सा बिजी थी इसी वजह से. और अभी टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो ऊपर आती हूँ और आपसे बात करती हूँ क्योंकि नीचे बच्चे शोर कर रहे हैं. तो मायके से इस बार मम्मी आई है, तो जो भी गेस्ट आने वाले हैं तो आएंगे, अभी वो आने के हैं. तो अभी थोड़ा सा टाइम मिल गया था तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ. तब तक मतलब बाद में तो टाइम नहीं मिलेगा शायद, आई थिंक मैं आपको शाम को ही मिलूँगी, शाम को ही बात कर पाऊँगी आपसे. इसी वजह से अभी मैंने सोचा बात कर लेती हूँ. और हाँ, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था अद्विक के बर्थडे का, तो आप लोगों ने ढेर सारे विशेष किए उसको. मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस टाइम का, अपने बर्थडे जो है अद्विक का वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना दिया है. आप लोगों की विशेष की वजह से उसका बर्थडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो गया है. और आप लोग कहाँ कहाँ से विशेष कर रहे हो, उसको इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए मतलब थैंक यू भी बोलूँगी तो वो कम होगा, फिर भी मैं आपको अद्विक की तरफ से और मेरी तरफ से थैंक यू बोल देती हूँ. तो थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरी लाइफ में आए हो, तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप मेरे लिए क्या हो. बट फिर भी तो चलिए, फिर मैं थोड़ी देर के बाद ही हूँ आपसे क्योंकि अभी नीचे जाती हूँ, जो भी बाकी का काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद डायरेक्टली मिलती हूँ शाम को आपसे. तब तक के लिए बाय बाय. So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe. हे गाइस, दोपहर का टाइम था और यहाँ पर हम लोग आ गए थे. गेस करिए हम लोग कहाँ पे आए हैं. हम लोग आए हैं गाइस केक लेने. और आपको मैं क्या बताऊँ, इतनी बड़ी गलती हो गई थी हमसे अद्विक के बर्थडे के दिन की, उसका पछतावा अभी भी हमें हो रहा है. मतलब इन्होंने ना रात को, मैंने उनको बोला था कि केक ऑर्डर करना है, तो ये बोले कि मैं सुबह भी ऑर्डर कर दे सकता हूँ, मैं सुबह ऑर्डर कर दूँगा. तो इसी वजह से रात को हम लोग गए थे बाहर. आप लोगों को पता ही है, पिछले व्लॉग में आपने देखा है, तो उस टाइम हम लोगों ने केक ऑर्डर नहीं किया था, मतलब लेट हो गए थे इसी वजह से. और कुछ एक चीज़ और भी भूल गए थे, तो वो चीज़ वो उन्होंने मुझे सुबह ला के दे दी थी. बट
बट केक ऑर्डर वो सुबह करना ही भूल गए थे। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, जब मुझे दोपहर में माही ने याद दिलाया कि मम्मा केक लाना है, तो तब मुझे याद आया कि अरे केक का ऑर्डर ही नहीं दिया है। मैंने इनको पूछा कि केक का ऑर्डर दिया है क्या, ये बोले मैं भूल ही गया हूँ बिल्कुल केक का ऑर्डर देना। तो हम लोग फिर तुरंत वहाँ घर से निकले थे और यहाँ पर आ गए थे अद्विक को लेके। तो वहाँ पर अद्विक देख रहा था फिर कि कौन सा केक लेना है, मैं उसको ऐसे ही पूछ रही थी। बट ना उनको हमने पूछा कि केक ऑर्डर दे सकते हैं क्या, तो अभी क्योंकि केक कट करने में 3 घंटे ही बचे थे और वो बोल रहे थे कि इतनी जल्दी केक ऑर्डर नहीं होगा, तो आपको जो लेना है केक आप इनमें से ही ले सकते हो। तो वहाँ पर सबसे बड़ा केक जो अवेलेबल था वो 1 केजी का ही था, और हमें थोड़ा सा बड़ा केक चाहिए था, मतलब 1.5 केजी या 2 केजी का केक चाहिए था। तो हमें मजबूरी में ना वही केक लेना पड़ा, और हमें मतलब इतना बुरा लग रहा था उस टाइम कि हमें मजबूरी में ऐसे केक लेना पड़ रहा है। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा आज का लुक कुछ इस तरह से, आपको फुल लुक भी दिखा दूंगी मैं बाद में। और अभी हम लोग करने वाले हैं केक कट, तो ऊपर डेकोरेशन किया है सब, तो मैं लेके चलती हूँ आपको और वहां पर ही डायरेक्ट मिलूंगी आपसे, तो उस और मेरा फुल लुक भी आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, डेकोरेशन कुछ इस तरह से किया था जैसे कि आपने देख ही लिया। और यहाँ पर फिर हम लोग केक कट करेंगे, और यहाँ पर ना मतलब कुछ लेडीज़ आ गई थी पड़ोस वाली और कुछ घर की लेडीज़ थी, तो ऐसे मिलके केक कट करेंगे। केक कट करने के टाइम ज़्यादा लोग नहीं आए थे, तो हमने पहले केक कट कर लिया था क्योंकि फिर बाद में भीड़ हो जाती है, फिर इसी वजह से 7 बजे केक कट कर लिया था हमने। और फोटोग्राफर का वेट कर रहे थे एक्चुअली, इसी वजह से वो बलून्स वगैरह फूट रहे थे, फोटोग्राफर को कॉल करना ही भूल गए थे हम लोग। मतलब एक्चुअली उन्होंने बोला था कि आधे घंटे पहले कॉल कर देना, बट हम लोग 11 में इतना भूल गए थे कि फोटोग्राफर को कॉल करना है। फिर हमने फोटोग्राफर को कॉल किया, फिर वो आए तो हम लोगों को थोड़ा सा लेट ही हो गया था। अब वो आ गए हैं और यहाँ पर फोटो वगैरह मतलब ले रहे हैं, फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर ना अक्षवान होता है हमारे यहाँ पे, इस तरह से 5 लेडीज़ मिलके अक्षवान करती है। तो अद्विक को टीका वगैरह लगा रहे थे, मतलब बर्थडे बॉय को या बर्थडे गर्ल को ऐसे टीका वगैरह लगाते हैं, अक्षवान करते हैं इस तरह से। और ये मेरी मम्मी मतलब मेरी सास, एक्चुअली आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो इसीलिए बता रही हूँ मतलब। और यहाँ पर ये मेरी मम्मी है, तो इस तरह से 5 लेडीज़ मिलकर अक्षवान करेगी। और ये किस किस के साइड में होता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, हमारे साइड में ऐसे होता है। और केक कट करने से पहले अक्षवान करते हैं, और अद्विक देखिए कैसे देख रहा है। यहाँ पर जो पहले थे तो वो श्रीकांत की मम्मी है, और ये मेरी दीदी मतलब बड़ी बीच वाली जेठानी, एक्चुअली दीदी बड़ी दीदी नहीं आई थी, मतलब जो सबसे बड़ी जेठानी है वो नहीं आई थी, एक्चुअली उनकी तबीयत खराब थी इसी वजह से। तो अब अक्षवान हो जाने के बाद हम लोग केक कट करेंगे। सो गाइस, केक कट हो जाने के बाद यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा था, बच्चे आ गए थे पड़ोस के, तो सारे बच्चों का फोटो अद्विक के साथ लिया था। तो इस तरह से बच्चों ने क्या पहन ली थी, अद्विक को भी मतलब अद्विक पहन नहीं रहा था, इसी वजह से सब लोगों ने क्या पहन के फिर अद्विक के साथ फ़ोटो खींचा था। और यहाँ पर फिर बाद में हम लोगों ने फ़ोटो मतलब हमारा फ़ोटो सेशन हुआ। और सब लोग कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, मतलब माही तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, अद्विक भी बहुत क्यूट लग रहा था, और मुझे भी बता देना। और ना उसके पापा ने मुझे आज फेल कर दिया था, मतलब उस दिन मैंने उनको बोला भी कि मुझे 1 घंटा लगा है तैयार होने में और आप 5 मिनट में तैयार हो गए हो, फिर भी आपने मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा मिल रहा है मुझसे, तो उसे ऐसे ही हो रहा था। और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा था, फिर घर वालों के साथ अद्विक का फ़ोटो लिया है। यहाँ पर मम्मी पापा हैं, और यहाँ पर दीदी भैया और उनके दो बेटे वो है, और यहाँ पर पड़ोस की दीदी है जो अद्विक को गिफ्ट दे रही है, तो इस तरह से। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरी मम्मी, दीदी और मम्मी, तो इस
तरह से हम लोगों ने फ़ोटो लिया था। तो और उसके बाद मेरी मम्मी के साथ मैंने फ़ोटो लिया था, ऐसे ही फ़ोटो सेशन चल रहा था यहाँ पे, और पीछे का जो बलून्स वगैरह है वो निकल रहे थे, और ना मतलब वो डेकोरेशन ना थोड़ा सा रह ही नहीं रहा था क्योंकि बलून्स वगैरह भी फूल गए थे मतलब बहुत सारे, और थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसी वजह से, और ना मतलब वो भी हो रहा था, चिपक नहीं रहे थे वहाँ पे, दरदरी दीवार है इसी वजह से वहाँ पर। और यहाँ पर ये मेरी रिलेटिव है और उसके दो बच्चे बहुत ही क्यूट है, उनके साथ मैं फ़ोटो ले रही थी। ऐसे करके सारे फ़ोटो सेशन हुए, और ना मैंने शूट करने के लिए बता के रख दिया था कि मैं बिज़ी रहूँगी तो आप लोग शूट कर लेना, बट पता नहीं जिसने भी शूट किया था वो ना मेनू दिखाना ही भूल गए, मतलब वहाँ पर ढक्कन रखे थे तो वो सब कुछ शूट किया बट ढक्कन निकाल के जो लीड निकाल के मेनू ही नहीं दिखाए, और यहाँ पर वहाँ पर मेनू लगाना भी बाकी था वहाँ पर, मतलब स्टार्टिंग में ही उसने शूट किया होगा तो मेनू मतलब रखने ही बाकी थे वहाँ पर, तो उसने शूट भी कर लिया। और यहाँ पर सब लोग फिर आ रहे थे, खाना खा के जा रहे थे, ऐसे यहाँ पर खाना खा रहे थे सब लोग। और इसके बाद का ना शूट करना मतलब किसी ने शूट ही नहीं किया, और मैं ना मेरे कामों में ही थी, जैसे आपको पता है कि घर का प्रोग्राम होता है तो सब गेस्ट को देखना होता है, मतलब सबके पास जाना होता है, सबको पूछना होता है कि खाना खाया या नहीं होता, ऐसे कुछ मतलब कर रही थी मैं अपने कामों में ही थी तो इसी वजह से मतलब मैं तो शूट नहीं कर रही थी, बट जिसने ही शूट किया वो इतना ही शूट किया है तो इसी वजह से मैं आपको इतने इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी, और मैंने रात को वीडियो को एंड भी नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आई होप गाइज़ आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आए तो, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा व्लॉग, और अद्विक देखिए कितना क्यूट लग रहा है और स्माइल देते हुए तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है।